कॉस्ट का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो सब देखना है हम लोगों को, बुक में देखते रहिएगा. व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग, राइट? जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो आपको कॉस्टिंग के बारे में समझना है, राइट? कॉस्टिंग का मतलब होता है टेक्निक ऑफ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट. कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है? टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, राइट? द वर्ड कॉस्टिंग मीन्स टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट. अभी आप लोग देखे होंगे, रिलायंस जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसका दाम कंपैरेटिवली सस्ता होता है बाकियों से. एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग एक अलग कॉस्टिंग टेक्निक, क्योंकि अगर आप कॉस्ट का टेक्निक नहीं फॉलो करेंगे ना, अगर आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग द प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस. द वर्ड कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग द प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस, ये कॉस्ट है. अभी आपको टेक्निक का मतलब क्या हो गया? टेक्निक मतलब कौन कौन सा कॉस्ट को इंक्लूड करना है व्हाइल यू कैलकुलेट योर सेलिंग प्राइस. सो हमने आपको ऑलरेडी बताया है, एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, याद है? इसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्लूडेड, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया जाता है व्हेन यू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ऑल कॉस्ट इज इंक्लूडेड, ऑल कॉस्ट इज इंक्लूडेड व्हेन यू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस. तो सर वेरिएबल कॉस्ट तो पता है, पर यूनिट होता है. हाउ टू इंक्लूड फिक्स कॉस्ट इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बताया हमने हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में, बताओ. जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट अपने को पर यूनिट पता रहता है. हाउ कैन यू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट, हाउ कैन यू इंक्लूड फिक्स कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बताओ. ऑन एन एवरेज बेसिस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट से, तो फिक्स कॉस्ट का एवरेज आ जाता है. वो एवरेज फिक्स कॉस्ट को अपने कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डालते हैं. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक बोलता है सारा खर्चा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डाला जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और जो फिक्स कॉस्ट है उसका एवरेज करके डालने का है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आइडेंटिफाइबल और जो फिक्स कॉस्ट है उसका एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे. और एवरेज कैसे निकालते तुम लोगों को पता है? टोटल फिक्स कॉस्ट बाय टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट.
ठीक है. द वर्ड कॉस्टिंग मीन्स टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट. क्या? टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विस. आज जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, यू आर इनकरिंग लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. आज मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो आई एम इनकरिंग लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. जरूरी नहीं है मैं जो जो खर्चा कर रहा हूं वो सारा खर्चा को कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डालूं और सारा खर्चा को कंसिडर करूं वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक. मार्जिनल कॉस्टिंग, रिलायंस जब जियो लेके आया तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो किया. कस्टमर से खाली वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और अपना प्रॉफिट मार्जिन लेंगे बस. तो सर रिलायंस अपना फिक्स कॉस्ट कहां से पेमेंट करेगा? आज अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं और वो खर्चा का पैसा अगर हम कस्टमर से ना ले तो रिलायंस अपना फिक्स कॉस्ट का पेमेंट अपना प्रॉफिट मार्जिन से करता है. क्योंकि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इतना सस्ता है तो जो कस्टमर बेस हजारों में था अब वो लाखों करोड़ों में पहुंच गया है. तो रिलायंस हैज ऑक्यूपाइड द मार्केट, मेजर मार्केट शेयर. आज एक यूनिट पे 100 रुपया कमाने से अच्छा है हर यूनिट पे 1-1 रुपया कमाओ. तो जब आप एक यूनिट पे 1 रुपया करके कमाएंगे तो आप नंबर ऑफ कस्टमर आप ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे. पहले जो लोअर मिडिल क्लास था उन लोग के पास फोन नहीं होता था, अब इतना सस्ता हो गया लोअर मिडिल क्लास इज ऑल्सो एबल टू एफोर्ड इंटरनेट. तो कस्टमर का बेस बढ़ा दिया, चीज को सस्ता कर देंगे ना तो बेस बढ़ जाएगा. पहले कहीं पे अगर एसी लगा रहता था तो बहुत बड़ा बात होता था, आजकल ईएमआई फैसिलिटी कर दिया है. हर कोई अपने घर में एसी लगा रहा है. जब भी आप कोई भी आदमी को सुविधा देंगे या प्राइसिंग अगर आप फ्लेक्सिबल कर देंगे तो इन दैट केस यू कैन अट्रैक्ट लार्जर कस्टमर बेस. तो रिलायंस क्या करता है, हर आदमी से थोड़ा 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 कमाता है. ज्यादा आदमी हो गया ना उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कस्टमर बेस बढ़ गया तो वो जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा उसमें से फिर वो फिक्स कॉस्ट पेमेंट करता है. राइट. तो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं आपके पास. जरूरी नहीं है वो सारा का सारा खर्चा आप कस्टमर से रिकवर करें. तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक बोलता है लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में मैं वही खर्चे को कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डालूंगा जो वेरिएबल नेचर का है, प्लस मार्जिन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. तो इन दैट केस मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इज बीइंग पेड बाय द कंपनी इटसेल्फ फ्रॉम द प्रॉफिट्स जनरेटेड. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में जो वेरिएबल है वो आइडेंटिफाइएबल है पर यूनिट, जो जो फिक्स कॉस्ट है उनका टोटल करके डिवाइड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट करके एवरेज. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आइडेंटिफाइएबल, फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट एवरेज निकाला गया है तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, उसमें मार्जिन जोड़ के सेलिंग प्राइस पर यूनिट. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में फिक्स कॉस्ट का पेमेंट कौन कर रहा है, कस्टमर इटसेल्फ, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में फिक्स कॉस्ट को एवरेज करके डाल दिए हैं. इसको टेक्निक बोलते हैं. क्या प्राइसिंग टेक्निक आप फॉलो करेंगे, जैसा कॉस्टिंग टेक्निक उस हिसाब से ना प्राइस आएगा. तो टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, ये हमने हमारा इंट्रोडक्शन क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है. जैसा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आएगा, अच्छा एक होता है टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक. टारगेट कॉस्टिंग में आपको प्राइस डिटरमाइन नहीं करना पड़ता बिकॉज प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट इटसेल्फ. ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव हाईली, जहां पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना वहां पे ये चीज फॉलो होता है. एवरीवन इज द प्राइस टेकर, नो वन इज द प्राइस गिवर. तुम लोग पढ़ा होगा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा ही होता है, मेनी सेलर्स मेनी बायर. तो वहां पे प्राइस इज थ्रोन बाय द मार्केट नॉट यू. ठीक है. तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, प्राइस मार्केट डिटरमाइन किया, उसमें आपको जो मार्जिन चाहिए वो आप लेस कर दीजिए तो कॉस्ट आएगा ना, दैट कॉस्ट इज योर टारगेट कॉस्ट. मतलब यू ट्राई टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट इन दैट टारगेट कॉस्ट, लेकिन एक्चुअल में संभव नहीं है.
हमारा एक्चुअल कॉस्ट देखना हमेशा टारगेट कॉस्ट से कई ज्यादा आता है. तो इन दैट केस यू ट्राई टू फाइंड आउट द वेज ऑफ रिड्यूसिंग दैट गैप. तो आप क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट में इंसेंटिव स्कीम ले आएंगे. इंसेंटिव स्कीम में यू मस्ट हैव सीन ना, लेबर कॉस्ट चैप्टर में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कम हो जाता है, देयर इज सेविंग्स टू एम्प्लॉयर, तो ऑटोमेटिकली वो एक्चुअल कॉस्ट विल अप्रोच टूवर्ड्स टारगेट कॉस्टिंग. राइट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक राइट विच वी फॉलो व्हाइल प्राइसिंग द प्रोडक्ट. द वर्ड कॉस्टिंग मीन्स टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट. सो कॉस्ट का मतलब हो गया लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इन मेकिंग द प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस. जरूरी नहीं है आप सारा एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डालें. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक. मार्जिनल कॉस्टिंग सेज पिक अप ओनली वेरिएबल कॉस्ट, एड मार्जिन एंड पे. राइट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट का भी टोटल करो, उसका एवरेज निकाल के कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डालो. टारगेट कॉस्टिंग बोलता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालने का कोई झमेला ही नहीं है, बिकॉज प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट. मार्केट जो प्राइस डिटरमाइन किया उसमें से यू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट रेवेन्यू, सो यू गेट टारगेट कॉस्ट. देन यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका क्या खर्चा लग रहा है. एंड ऑलवेज हैव द ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग दैट एक्चुअल कॉस्ट टू टारगेट कॉस्ट. सो अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट है. राइट, सो ये आएगा तो आप लोगों को लिखना है. नेक्स्ट, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट हो गया, कॉस्टिंग हो गया. कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें सब चीज कवर होगा. कॉस्टिंग भी कवर होगा, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस भी कवर होगा, अदर कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजीज भी कवर होता है. राइट, सो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम में जो पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग, व्हाट आर द टेक्निक्स, लिख देंगे आप लोग. अच्छा, एक और टेक्निक होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टेक्निक. हर प्रोडक्ट का ना एक इंट्रोडक्शन फेज होता है, ग्रोइंग फेज होता है, मैच्योरिटी फेज होता है, डिक्लाइनिंग फेज होता है. कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब तुम लोगों को लग रहा होगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, नहीं. हर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ना उसका एक प्री लॉन्च एक कॉस्ट होता है, उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए. आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है. अच्छा, जब प्रोडक्ट का डिक्लाइनिंग स्टेज आएगा तो पोस्ट लाइफ साइकिल भी कुछ कुछ खर्चा होता है. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. राइट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक, आपको बस खाली लिखना है कॉस्टिंग के बारे में. राइट, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पेज नंबर 3 में है. देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहला तो कॉस्ट असर्टेनमेंट हो गया. कॉस्ट असर्टेनमेंट मतलब कॉस्टिंग. उसके बाद द मोमेंट यू गेट कॉस्टिंग, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, एड योर मार्जिन, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. Then you have cost control and cost reduction. ये हमने आपको already explain कर दिया introduction class में. Both are cost saving strategies. Both are cost saving strategy. मान लो एसी खराब हो जाता है तो कॉस्ट कंट्रोल बोलता है रिपेयर कराओ और कॉस्ट रिडक्शन बोलता है रिप्लेस करो. कॉस्ट कंट्रोल में कम पैसा में काम हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन में हैवी अमाउंट इज इन्वॉल्व्ड. रिपेयर करवाएंगे तो साल दो साल चलेगा, रिप्लेस कराएंगे तो 5 साल तक निश्चिंत. तो यू माइट ऑल्सो गेट वन क्वेश्चन इन एग्जाम, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, वी गो फॉर रिपेयरिंग ऑफ द मशीन, एंड कॉस्ट रिडक्शन में रिप्लेसमेंट.
cost control is less expensive. Cost reduction is involves huge capital investment. Cost control will help you for 1 or 2 years. Reduction will solve your purpose for next 5 to 6 years. Right, cost control defensive approach hai, cost reduction aggressive approach hai. So you might get difference between cost control and cost reduction. Both are first of all cost saving strategy. Right. Decision making. Cost accounting helps in decision making. जैसे एक मेरे मन में एक सवाल आया, right? हम लोग अभी जेरोक्स करवाते हैं बाहर से, हमारा 1 रुपया पेज लगता है जेरोक्स करवाने में, 1 रुपी पर पेज, right? हाँ, और स्पाइरल कराने का 50 रुपया लगता है, इसलिए आप लोगों को बिना स्पाइरल मिला है, इतना में इतना ही मिलेगा, ठीक है? तो अभी हमारा बुक का कॉस्टिंग आया है 130 रुपीज, अगर स्पाइरल कराते तो 180 आता, सो हम लोग का 130 में हम लोग काम चलाए हैं, राइट? अभी हम लोग बीच में बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि खुद का जेरोक्स मशीन लगा लेते हैं, ठीक है? वी विल कीप वन स्टाफ, उसका काम यही रहेगा सारा दिन जेरोक्स करने का. तो वी फाउंड मेक और बाई, दो ही स्ट्रेटेजी है, इन हाउस और आउटसोर्स. बाई का जेरोक्स कॉस्ट आ रहा है 1 रुपी पर पेज. हम अगर मशीन लगाते हैं, स्टाफ रखते हैं खाली इन हाउस का काम करने के लिए, तो मेरा कॉस्टिंग आ रहा था 1 रुपया 5 पैसा पर पेज. तो व्हाट आई डिसाइडेड टू आउटसोर्स इट. सर आपने ये निकाला कैसे? अगेन मैं चला गया कॉस्ट असाइनमेंट में. सो दिस सब्जेक्ट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग. सो व्हेनेवर आई हैव टू डिसाइड बिटवीन मेक और बाय, तो इन ऑर्डर टू मेक आई हैव टू अगेन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. And when I find out cost of the product, in that case, kya, if I am able to find out cost of the product, it means it is helping me in deciding whether I can go for make or buy. इसमें एक ऑप्शन और भी आया था, जैसे ये 1 रुपया 5 पैसा एवरेज आया ना, एवरेज कॉस्ट. तो अगर हम इसमें यह देखे थे, अगर विकास जी प्रेजेंट सैलरी में इस काम को कर लेते हैं, तो मेरा खर्चा आ रहा था 0.65 पर पेज. If I am keeping an extra staff for particularly only doing Xerox, then it was coming to 1.05 per page. But agar hamara present setup mein, present jagah mein, is machine ko rakh diya jaye, present staff agar sab kuch take care kare, to 65 paisa mein kaam ho jayega. Right? So, hum log dekh rahe hain, we are working on it. Next. एक और ऑब्जेक्टिव है, प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स. प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स. नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में आप लोगों ने देखा है कि कॉस्ट बुक्स आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, वहां पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड, WIP, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट? तो उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स को दर्शाया गया है. तो व्हेन यू आर कीपिंग अ ट्रैक रिकॉर्ड कि गुड्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, इन सच अ सिचुएशन यू विल बी एबल टू कंट्रोल कॉस्ट. कहीं पर अगर लॉसेस ज्यादा हो रहा है, हो सकता है स्टोर में मटेरियल का प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो रहा है, आज ज्वेलरी वाला लोग अगर सिक्योरिटी नहीं रखेगा तो दिन दहाड़े चोरी होगा ही,
राइट तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स बनाने से एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है तो व्हेन गुड्स मूव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर यू आर कीपिंग अ प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड कि अभी गुड्स स्टोर में था अब ये प्रोडक्शन में आया अब ये वेयरहाउस में अब यहां से बिक रहा है तो ऐसा होने से ना एग्जैक्टली यू विल बी कमिंग टू नो कि स्टोर में इतना आया था और इतना ही गया मतलब बाकी नुकसान हो गया या पड़ा हुआ उसके क्लोजिंग स्टॉक में तो वी कैन कैच हिम कि भैया 1000 खरीदा था 900 तुमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया तो इसका मतलब तुम्हारे गोडाउन में 100 होना चाहिए तो बोला बाबू 80 है तो 20 कहां गया बोला डैमेज हो गया आओ जाने दो उसको राइट तो ये भी हमने आपको बता दिया प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स क्लियर तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में एक आपका कॉस्टिंग है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स विल कीप मी प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स राइट अच्छा अभी आपको क्वेश्चंस एक ही टाइप का क्वेश्चन अलग अलग जैसे पूछेगा पेज नंबर 3 में यू कैन सी इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एडवांटेजेस क्या है ऐसा सिस्टम रखने का ये सब ऑब्जेक्टिव है ये सब मतलब मेरा हासिल होगा कॉस्ट निकल जाएगा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा कॉस्ट रिडक्शन सेविंग स्ट्रेटेजी होगा डिसीजन मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल ये ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट में क्या करना है अब मकसद क्या है मतलब कौन सा मकसद हल होगा इससे एक तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कोट द प्राइस टू द कस्टमर हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन देखो वहीं पे दिया हुआ है सब चीज पढ़िए हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग वेस्टेज एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी अच्छा कॉस्टिंग आपको एक रिलायबल टेंडर जब भरते ना आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो आपको टेंडर भरना पड़ता है टेंडर मतलब यू हैव टू कोट योर प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क गवर्नमेंट जितना भी काम करवाती है सब टेंडर के थ्रू करवाती है सो टेंडर भरने में आपको कॉस्ट का एस्टिमेट बनाने में मदद आएगा इन ऑर्डर टू कोट द प्राइस फॉर द टेंडर राइट तो व्हाट आर द एडवांटेजेस सेलिंग प्राइस विल बी कैलकुलेटेड नंबर टू इट कैन एलिमिनेट वेस्टेज इंक्रीज एफिशिएंसी इट कैन हेल्प अस इन मेकिंग द टेंडर अच्छा कॉस्टिंग में आप क्या करते हैं ना प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी आप निकाल सकते हैं सो इट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज अच्छा कॉस्ट रिकॉर्ड्स इट विल हेल्प यू इन मेकिंग अ कंपैरिजन कि लास्ट ईयर कॉस्टिंग क्या था अभी कॉस्टिंग क्या है राइट अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग विल ऑल्सो हेल्प यू इन मेकिंग टाइट इन्वेंट्री कंट्रोल जैसे ज्वेलरी शॉप में मैक्सिमम चीज हाई वैल्यूड आइटम्स होता है तो जहां पे हाई वैल्यूड आइटम्स होगा वहां पे टाइट कंट्रोल होगा राइट सीमेंट बालू ईटा कंकड़ ये सब रास्ते में ही रखा रहता है कोई नहीं उठाता लो वैल्यूड आइटम्स पहले के जमाने में नमक देखना कोई भी रिटेलर या होलसेलर होता था ना तो उनके शॉप के बाहर में ऐसे बस्ता का बस्ता रखा रहता था राइट ऐसे बस्ता का बस्ता नमक का लाट लगा रहता था अगले दिन वो लोग आता था वही मिलता था उन लोगों को क्योंकि वो 50 पैसा किलो ये भाव था मतलब द रेट वॉज वेरी नेग्लिजिबल लो वैल्यूड आइटम्स आज मेरा ये दुकान है ये दुकान में हम वही चीज रखेंगे ना जिसका वैल्यू पहला बात तो ज्यादा है राइट चोरी होने का जो डर है ये तो चोरी भी नहीं होता था अगर कोई नमक चुरा ले तो उसको नमक हराम बोला जाता था इसलिए पहले के जमाने में लोग नमक को दुकान के बाहर ही रखा करते थे
दुकान के अंदर में कोई भी नमक का बस्ता नहीं रखता था। एक तो नमक हराम भी कहलाता था और दूसरा इसका वैल्यू भी बहुत नेग्लिजिबल है, इन्वेंट्री कंट्रोल करने का दरकार ही नहीं है। लेकिन अब 25 रुपया किलो पैकेट का दाम है। अब अगर तुम एक बस्ता रख दो बाहर, हाँ, उसको मंजूर है, वो नमक हमारा हराम कहला सकता अपने आप को, गायब हो जाएगा, अब कोई नहीं रखता, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन इन्वेंट्री कंट्रोल। जैसा वैल्यू ऑफ आइटम होगा उस हिसाब से उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल करवाना पड़ेगा आपको, राइट। एक आदमी है जो इलेक्ट्रिक का फिलामेंट्स होता है ना, बल्ब का फिलामेंट्स, एक सैशेट टाइप का होता है, जैसे शैम्पू का सैशेट होता है ना, वैसा होता है। एक एक सैशेट मिनिमम उसका रेट है 2500 रुपया। सो एक नेबर है हमारा, वो एक इलेक्ट्रिक होलसेलर के यहां पे काम करता था, फिलामेंट्स का काम था उन लोगों का, इजड़ा स्ट्रीट में उन लोगों का दुकान है। क्या करता था, उसका 3 नौकर था, उसका सैलरी सुनेगा, आज के दिन उसका सैलरी है 3000-3000 रुपया, मतलब थोड़े दिन पहले, पर्सन 1, 2, 3। एंड दैट नेबर हिज सैलरी इज 20,000 पर मंथ, वो मैनेजर है वहां का, राइट। अभी क्या हुआ, सबको पता है, ये लोग क्या करता है, बड़ा बड़ा शर्ट पहन के आएगा, बड़ा बड़ा शर्ट मतलब ऑलमोस्ट घुटना तक, और पॉकेट तो आराम से, अगर इफ आई फोल्ड अ पेपर एंड पुट इनसाइड माय पॉकेट, नो वन विल बी एबल टू गेस कि मेरे पॉकेट में कुछ है कि नहीं है। इतना छोटा वो सैशेट होता था, फिलामेंट्स रहता उसमें, देखना जो बल्ब होता ना येलो कलर वाला, जो लाइट होता उसमें देखना है तो थिन साइट और थ्रेड टाइप का होता है, उसको फिलामेंट्स बोलते हैं। तो वो सैशेट में 50, 60, 100 फिलामेंट्स होते थे, उससे बल्ब बनता है, राइट। उसका एक एक सैशेट का दाम है 2500 रुपया, 3000-3000 रुपया, वो लोग जिस फिलामेंट्स में डील करता था। रोज वो शाम को जाता था, एक फिलामेंट्स पैकेट अपना पॉकेट में डाल लेता था, तीनों एक एक। तो अगर हम उसको फिर वो जाके ग्रे मार्केट में बेचेगा, ब्लैक मार्केट में, तो 2000 रुपये का सैशेट है, 24 दिन महीना में कितना हुआ, 48,000 पर मंथ। और ये पिछला लोग 20 साल से ये चीज करते आ रहा है। आज के दिन में बताओ ना 3000 में क्या होता है, कुछ होता है, लेकिन फिर भी लोग 3000 में काम कर रहा है, रोज एक मार लेता है, और सबके पास में पूरा बाड़ी है 3-3 तल्ले का। एंड दिस पर्सन जो 20,000 रुपये महीना उसका सैलरी है, ही लिव्स इन अ रेंटेड प्लेस। द आयरनी इज दिस। सो ऐसे ही वी वेर टॉकिंग एंड ही सेड मी कि हमको यार एक चीज समझ में नहीं आता है, हम मेरा सैलरी 20,000-20,000 रुपया है, मेरा नौकर लोग का तो 3000 रुपया, उन लोगों के पास बाड़ी, और आज भी हम भाड़ा का फ्लैट में रह रहे हैं। कुछ कुछ आदमी होता है, दे गेट डिप्रेस्ड बाई सींग अदर्स, एंड दैट टू एन लोअर मिडिल क्लास, बाई सच अ बिग थिंग। अरे अपना बाड़ी, एक फ्लैट में नहीं, बाड़ी समझ रही हो, 3-3 तल्ला का पूरा बाड़ी है, राइट। एंड ये आज भी रेंटेड फ्लैट में रहता है। तो जब ये बोला, हम पूछा सैलरी कितना, बोला 3-3 हजार, मतलब पक्का कुल लोचा है। बोला तुम लोग इन्वेंट्री मेंटेन करता है, बोला नहीं हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करता, ये लोग फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, फिजिकल में तुम लोगों को बताया है, जो आया और गया उसका हिसाब नहीं रखा जाता है, जो बच गया वही शर्माते, दैट इज माई क्लोजिंग स्टॉक। कच्चा में खरीदा, कच्चा में बेच दिया, पक्का में खरीद के पक्का में बेचेगा तो टैक्स का लफड़ा आएगा। आजकल तो जीएसटी आ गया तो बंद हो गया ये सब चीज, राइट। जीएसटी आ गया तो ये सब चीज बंद हो गया, लेकिन जीएसटी के पहले ये सब होता था। हम ना ही परचेज दिखाएंगे, ना ही सेल दिखाएंगे, प्रॉफिट अपना जेब में, बहुत लफड़ा है। अकाउंटेंट रखो,
17 ठो रिटर्न लगाओ जीएसटी का, राइट, फिर इनकम टैक्स का अलग से लफड़ा, तो लोग उतना हेडेक लेना नहीं चाहते थे पहले, राइट. एक मालिक होता था, एक मैनेजर और 2-3 नौकर, बस यही उनका ऑर्गेनाइजेशन साइज है. और चार्टेड अकाउंटेंट को साल के अंत में 2,500 रुपए देते थे, वो भी 2,500 के लिए अपना ईमान बेच के साइन वाइन कर देता था. सो हमने उसको बोला एक काम करो, पहला बात तो तुम एक सीसीटीवी कैमरा लगाओ, क्योंकि तुम यू नीड हाई इन्वेंट्री कंट्रोल एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू पुट अप अ सीसीटीवी कैमरा. तो तुम उनका एक्टिविटीज वॉच कर पाएगा और डोंट टेल देम, संडे लगवाओ जिससे कि उन लोग को अगला दिन पता नहीं चले. एंड 2-3 बाहर से आदमी लोग बुलाओ जो लोग खाली स्टॉक का गिनती करके बता दे. एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू परपेचुअल स्टोर लेजर वाला, याद है ना, फीफो लीफो वेटेड एवरेज. एक हफ्ता बाद, राइट, उन लोगों को बुलाया गया सैटरडे, बोला आज कस्टमर आए तो भगा देना, आज खाली हम लोग स्टॉक का गिनती करेंगे. स्टॉक का गिनती हुआ, इनफ्लो आउटफ्लो मैच किया, समथिंग अराउंड 2450 शेयरसेट्स होना चाहिए, निकला 2430. इसका मतलब 20 शॉर्टेज है. हा, और ये सेकेंड हाफ में किया है गिनती, फर्स्ट हाफ में भी नहीं. आज का चोरी किया, उन लोग के पॉकेट में था. रोज तो मारा, हैबिट हो गया है, राइट. 24 शॉर्टेज निकला, वो लोग भी अब उन लोग को बताया गया कि भैया 2450 होना चाहिए, 2400. बोला आपके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं, आप कैसे बता सकते हैं 20 शॉर्टेज है. तब उन लोगों को सीसीटीवी में डेली उनका एक्टिविटी दिखाया गया है. सो दे आर कॉट रेड हैंडेड. एंड आज वाला भी उनके पॉकेट में था, मतलब पहले तो वो रख. गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से यू कैन कंट्रोल थेफ्ट, शॉर्टेज, स्टोलन एक्टिविटी बाय योर ओन एम्प्लॉई. हाई वैल्यूड आइटम्स है, यही अगर कंकर होता, बालू होता, रोज अगर 1 किलो बालू ले जाएगा तो ले जा. हैवी गुड्स, वही हैवी गुड्स है और वैल्यू भी कम है, तो इन सब चीज के लिए आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करने का दरकार नहीं है. राइट. सो देखो, एक तो लिखा है ना यहां पे, हेल्प्स इन इन्वेंट्री कंट्रोल, राइट. अच्छा, असिस्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ मटेरियल लेबर. बाय आइडेंटिफाइंग वेरियस एरियाज वेयर इफेक्टिव रिजल्ट्स आर नॉट अचीव यूजिंग टेक्निक लाइक बजेटरी कंट्रोल. लेबर चैप्टर में दिखाया है ना, एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड, तो एग्जिस्टिंग हो गया तुम्हारा बजेटेड डाटा, उसके बेसिस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, हम तुम्हारा अर्निंग भी बढ़ा देंगे, राइट. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ मोटा मोटी सेम है, राइट. ऑब्जेक्टिव हो गया सब्जेक्ट में क्या सीखोगे, एंड एडवांटेजेस मतलब क्या क्या फायदे होगा जो इस सिस्टम को अप्लाई करेगा. व्हेन यू अप्लाई दिस सिस्टम इट हेल्प्स यू टू एलिमिनेट वेस्टेज, इंक्रीज एफिशिएंसी, राइट, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मटेरियल, राइट, इन्वेंट्री कंट्रोल, आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, ये सब चीज. एक और डिफरेंस है थ्योरी क्वेश्चन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खाली आउटसाइड पार्टी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरनल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर इज ऑल्सो रिकॉर्डेड. याद है ना, प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर के लिए होता है, शेयर होल्डर वॉन्ट्स टू नो इट्स प्रॉफिटेबिलिटी,
एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में मैक्सिमम चीज जो हम लोग करते हैं वो इंटरनल सर्कुलेशन के लिए होता है, इंटरनल कंट्रोल के लिए होता है, राइट? कभी भी हम तुमको बताएं क्या तुम सेलिंग प्राइस में कौन सा टेक्निक फॉलो किया, कौन कौन सा कॉस्ट इंक्लूड किया, ये तुम कस्टमर को बताओ, तुम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग प्राइस बताओ. हाउ यू कैलकुलेटेड दैट सेलिंग प्राइस यू आर नॉट सपोज टू टेल, राइट? तो देखो यहां पे डिफरेंस दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसी में से आप कुछ चॉइस करके लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं. पर्पस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पीएल एंड बैलेंस शीट बनता है, ये कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इंटरनल यूजर के लिए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा आपको, एंड इट इज वॉलेंटरीली. लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए ये मैंडेटरी है, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उन लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना ही चाहिए. इसका अल्टीमेट फोकस इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका अल्टीमेट फोकस इज टू कंट्रोल कॉस्ट एंड फाइंड आउट वेज ऑफ रिड्यूसिंग इट, राइट? इसका टाइम पीरियड एनुअल बेसिस पे होता है और कॉस्ट रिपोर्ट रेगुलरली बनता है और शॉर्ट इंटरवल्स में, राइट? तो ये आप लोग, इसमें कॉस्ट एंड प्रॉफिट ओवरऑल एंड एक्चुअल आता है, यहां पे डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, एक्टिविटी वाइज आप निकाल सकते हैं. डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑडिट करवाना पड़ता है, क्योंकि एक्सटर्नल किसी और का डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन योर पोजिशन. तुम्हारा फाइनेंशियल पोजिशन जैसा होगा उस पर कोई और डिसाइड करेगा वेदर टू पुट इन मोर मनी और विड्रॉ द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड. कॉस्ट अकाउंटिंग में उतना ज्यादा हाई एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड. कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये भी हम आपको बता चुके हैं, राइट? अच्छा, अभी नेक्स्ट जो आएगा आपके एग्जाम में, आपको इंडस्ट्री का नाम बता देगा, राइट? दे विल टेल यू द इंडस्ट्री नेम एंड यू हैव टू टेल देम द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. जैसे अगर मैं बोलूं टैक्सी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑयल रिफाइनरी, प्रोसेस कॉस्टिंग, शू मेकिंग कंपनी, बैच कॉस्टिंग, इंटीरियर डेकोरेटर, जॉब कॉस्टिंग, स्कूल बस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, जहां पे दो तीन कॉस्टिंग मेथड यूज होगा. जॉब कॉस्टिंग वेयर वर्क इज अंडरटेकन ऑन रिसीविंग अ कस्टमर ऑर्डर, मतलब स्पेसिफिक कोई कस्टमर का, जैसे प्रेस्टो हो गया, कस्टमाइज गिफ्ट शॉप हो गया, ये लोग जॉब कॉस्टिंग, राइट? तो यहां पे जो कॉस्टिंग निकाला जाता है वो फॉर ईच जॉब ऑर्डर असाइनमेंट का निकाला जाता है, ओवरऑल नहीं निकाला जाएगा. हर कस्टमर का जॉब कॉस्ट शीट अलग अलग बनता है, राइट? इंटीरियर डेकोरेटर, मोटर वर्कशॉप, रिपेयर वर्कशॉप, ये लोग सब जॉब कॉस्टिंग फॉलो करता है. बैच कॉस्टिंग, ये बेसिकली एक एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग, ये वेयर आउटपुट अंडर ए वर्क ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर यूनिट्स. 2000 पीस निकाल दो भैया, राइट? तो यहां पर बैच होता है, बैच कॉस्टिंग में जो भी होगा पर बैच, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो लीफलेट्स बनवाते ना, पैम्फलेट्स, ब्रोशर, तो प्रिंटिंग प्रेस क्या करता है, हर कस्टमर का ऑर्डर लेता है और उसी कस्टमर ऑर्डर में 10,000 पीस एक साथ निकलता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो द 10,000 पीसेस इज योर बैच. तो उसका डिजाइन वगैरह रेडी करता है, 10,000 पीस का एक बैच बन गया. फिर दूसरा कोई कस्टमर आया, वो अपना एडवर्टाइजमेंट दिया 5,000 पीस का पर बैच, राइट? और इस टाइप का जो प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, वो लोग क्या बोलता है पता है? एक बैच का प्रिंटिंग का 1500 लगेगा, आप जितना भी बनवा लीजिए. शादी का कार्ड जब छपवाने जाते हैं, 200 कार्ड का प्रिंटिंग भी 1500 लगता है, 500 कार्ड का प्रिंटिंग भी 1500 लगता है, 1000 कार्ड का प्रिंटिंग भी 1500 लगता है, बैच वाइज.
राइट तो प्रिंटिंग प्रेस फार्मास्यूटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अ लार्जर जॉब इज कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू और मोर फाइनेंशियल ईयर्स सो यू नो व्हेन वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू और मोर ईयर्स इन दैट केस क्या करते हैं अपने प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर टू ईयर थ्री ईयर और एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्जेक्ट टू कैश रिसीव्ड यू हैव सीन दैट यहाँ पे हर कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 726, 729, ऐसा सम था ना हम लोगों का ब्रिज कंस्ट्रक्शन शिप बिल्डिंग सिविल कंस्ट्रक्शन राइट यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग सिंपल एक सिंगल प्रोसेस में प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल प्रोसेस नहीं वेयर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन अ सिंगल प्रोसेस फॉर ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट ब्रिक कोल राइट प्रोसेस कॉस्टिंग में सीरीज ऑफ प्रोसेस ऑयल रिफाइनरी पेपर इंडस्ट्री शुगर टी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में सर्विस सर्विस जैसे होटल हो गया सिनेमा हॉल हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया लाइब्रेरी हो गया राइट मल्टीपल कॉस्टिंग में जब दो तीन कॉम्बिनेशन यूज होता है जैसे बाइसाइकिल ऑटोमोबाइल टीवी कंप्यूटर्स राइट ये सब में मोर देन वन मेथड यूज होगा पेज नंबर 6 में आइए कॉस्ट यूनिट जैसे ब्रिक्स कभी भी पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं होता ब्रिक्स का कॉस्ट हमेशा वो पर 1000 ब्रिक्स सीमेंट पर बैग गोल्ड पर ग्राम बट शुगर पर किलो आर यू गेटिंग माय पॉइंट वो यूनिट जानना है अपने को क्लोथ मीटर ट्राई टू अंडरस्टैंड वो यूनिट क्या है एंड उसमें फिर कौन सा मेथड लगेगा राइट ब्रिक्स देखो ब्रिक्स का यूनिट क्या दिया हुआ है पर 1000 तो ब्रिक्स हो गया आपका सिंगल और आउटपुट एक प्रोसेस में प्रोड्यूस हो जाता है कोल पर टन सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग रोड कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर जितना किलोमीटर उस हिसाब से तो ये जॉब कॉस्टिंग में भी आएगा अगर एक साल में कंप्लीट हो गया तो और अगर वन और मोर फाइनेंशियल ईयर है तो कॉन्ट्रैक्ट में डाल देंगे इसको फिर इंटीरियर डेकोरेटर पर जॉब पर असाइनमेंट जॉब कॉस्टिंग रेडीमेड गारमेंट्स नंबर बैच कॉस्टिंग फॉलो होता है टॉय ईच बैच बैच कॉस्टिंग टायर्स एंड ट्यूब्स ईच बैच बैच कॉस्टिंग फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन पर स्ट्रिप पर बॉक्स वो तो रिटेलर लोग उसको एक एक दो दो पीस काट के बेचता है लेकिन बहुत सारा रिटेलर लोग नहीं बेचता है पूरा स्ट्रिप लेना पड़ता है बस सर्विस पता है ना पर पैसेंजर किलोमीटर पढ़ा है तुम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में एडुकेशन में पर स्टूडेंट आवर बट आई डोंट चार्ज यू पर स्टूडेंट आवर हम पूरा कोर्स का लेते हैं भले ही हमको नुकसान है बट हम तुम लोग से पूरा कोर्स का लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर जैसा कंजम्पशन होगा 220 वोल्ट का मीटर है 440 वोल्ट का मीटर है देखना पड़ेगा तो किलोवाट आवर गुड्स ट्रांसपोर्ट में पर टन किलोमीटर हॉस्पिटल नर्सिंग होम में पर पेशेंट डे एक ही बात है पर बेड पर डे पर पेशेंट डे एक ही बात है एक बेड में तो एक ही पेशेंट रहेगा ना होटल पर रूम पर डे उसको रूम डेज बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको रूम डेज
ब्रिज कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। सीमेंट में पर टन पर बैग प्रोसेस कॉस्टिंग, पेट्रोकेमिकल्स पर गैलन प्रोसेस कॉस्टिंग है, स्टील में पर टन प्रोसेस कॉस्टिंग है, टेक्सटाइल में पर मीटर प्रोसेस कॉस्टिंग है, शुगर में पर टन प्रोसेस कॉस्टिंग है, पेपर पर केजी पर टन पर रिम रोल प्रोसेस कॉस्टिंग, फर्टिलाइजर पर टन राइट, ऑटोमोबाइल्स पर यूनिट पर बैच, फर्नीचर पर यूनिट पर बैच राइट, इस तरीके से। तो आपको क्या होगा, आपको इंडस्ट्री का नाम बताएगा, आपको मेथड्स बताना होगा, क्या करेगा इंडस्ट्री का नाम बताएगा और आपको क्या बताना होगा मेथड्स, और दूसरा आपको प्रोडक्ट का नाम बताएगा, उसका आपको कॉस्ट यूनिट बताना पड़ेगा, क्या कॉस्ट यूनिट। पढ़िए एक बार अच्छे से इसको, रीड करो। Is it fine? Huh? Now, ध्यान दो। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ध्यान दीजिएगा, बात मत करिए, इस रूम में तीन टाइप के पर्सन है, दो मान लो एक बार, एक है टीचर, एक है स्टूडेंट, स्टूडेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टडी प्रॉपरली, लर्न वेल, स्कोर वेल, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों पे इन्वेस्टमेंट किसने किया है, इन्वेस्टेड बाय पेरेंट्स,
एंड दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. आप लोगों को कॉस्ट सेंटर बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? कॉस्ट सेंटर. योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फुलफिल द कॉस्ट एक्सपेंडेड ऑन यू बाय योर पेरेंट्स. इज इट फाइन? आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है एज ऑफ नाउ. मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेवेन्यू जनरेट करना. राइट और ये रेवेन्यू जनरेट तभी होगा अगर हम अच्छा काम करेंगे. एक बार इंसान को बेवकूफ बनाएंगे, बार बार तो नहीं बना सकेंगे ना. रेवेन्यू होना चाहिए और फिर इससे अपना घर चलाएंगे. राइट कॉस्ट. तो मेरा दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेवेन्यू भी जनरेट करना है और कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है, मेरा घर भी चलाना है हमको. राइट सो इन दैट केस आई एम अ प्रॉफिट सेंटर. हम जब स्टूडेंट थे ना तब हम क्या थे? उस समय भी हम प्रॉफिट सेंटर थे. कमाते थे उसी से अपना पढ़ाई का पैसा भरते थे. उस समय भी यही रेस्पॉन्सिबिलिटी था मेरा. आज जो है उस समय भी यही था. फर्क सिर्फ यही है, पहले कमा के खुद का स्टडीज को फाइनेंस करते थे और अभी कमा के अपना घर चलाते हैं. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलता है सबको सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दो. जैसे सेल्समैन है, सेल्समैन का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेल करना. तो इट्स अ रेवेन्यू सेंटर. क्या बोलेंगे उसको? रेवेन्यू सेंटर. जो टॉप मैनेजमेंट में उन लोगों का मेन मकसद क्या है? पैसा लगाना. तो इसलिए उन लोगों को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट सेंटर. तो कितना टाइप का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया? इन्वेस्टमेंट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर. कोई भी लोकेशन, कोई भी इंसान, कोई भी डिपार्टमेंट, इट्स अ सेंटर. हर लोकेशन, हर डिपार्टमेंट, हर इंसान एक कॉस्ट सेंटर तो है ही. आज सेल्समैन का भी, सेल्समैन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू सेंटर. बट सेल्समैन का एक वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉस्ट, क्योंकि उसको कमीशन देते हैं ना अपने. अपने जो सेल्समैन को कमीशन देते हैं उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगता है वो मिनिमल है, क्योंकि अभी उसको ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स को मैक्सिमाइज करना. राइट तो आप ध्यान से पढ़िएगा. पेज नंबर 5 में दिया हुआ, ध्यान दो. सीमा डिफाइंस अ कॉस्ट सेंटर एज अ लोकेशन. कोई लोकेशन भी हो सकता है, कोई पर्सन या एनी आइटम ऑफ इक्विपमेंट, कोई मशीनरी हो गया. इट्स अ कॉस्ट सेंटर कैन बी अ डिपार्टमेंट, इट कैन बी अ पर्सन और इट कैन बी अ मशीन. इन और कनेक्टेड विथ द ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग इन रिलेशन टू विच कॉस्ट असर्टेंड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. राइट तो हर लोकेशन, हर इंसान का, हर मशीन का आपको कॉस्ट निकालना है और उसको कंपेयर करना है उसके परफॉर्मेंस से. राइट तो हर एक यूनिट, हर एक लोकेशन, हर एक मशीन, हर एक पर्सन
इज अ कॉस्ट सेंटर, बट जरूरी नहीं है वो कॉस्ट सेंटर कहलाए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा। टाटा मोटर्स कंपनी है, टाटा ग्रुप का एक यूनिट है। टाटा मोटर्स इज अ प्रॉफिट सेंटर, क्यों? उसका प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉफिट कमा के देता है वो। विकास कॉस्ट सेंटर है हम लोग के लिए। हम लोग हमेशा यही देखते हैं, हम लोग जो उसको पैसा दे रहे हैं उसमें हम लोगों का काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, राइट? सो ये आप लोगों को पढ़ना है, राइट? सो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एग्जाम में पूछ सकता है आपको। पेज नंबर 7 में आइए, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, बिहेवियरियल क्लासिफिकेशन, हम आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के टाइम में बताया था, राइट? कुछ कुछ अभी बता देते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब ट्रेसिबिलिटी, पर यूनिट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसमें होता है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो उसको आप पर यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वुड प्लाई यूज्ड इन मेकिंग अ फर्नीचर, यस और नो? डायरेक्ट मटेरियल हो गया ना, एक टेबल बनाने में कितना वुड लगेगा सब पता चलेगा आपको। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाने में आपको क्या रॉ मटेरियल लग रहा है ये आइडेंटिफाइबल है, तो ऑटोमेटिकली उसका कॉस्ट भी आइडेंटिफाइबल बन जाएगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट देखो लिखा है, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड ऑब्लिक आइडेंटिफाइबल विथ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट और सेंटर, रॉ मटेरियल यूज इन फिनिश प्रोडक्ट, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। दीज आर नॉट आइडेंटिफाइबल ऑन यूनिट बेसिस। तो अभी बताओ, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो कर रहे क्या, और हमको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को देखेंगे कि इग्नोर कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालते वक्त खाली कौन सा कॉस्ट कंसिडर होता है? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट को क्या बोलते हैं अपने? डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर जनरली फिक्स्ड इन नेचर, दीज आर नोन एज ओवरहेड्स। देखो जैसे दिया है, फैक्ट्री रेंट, सैलरी सुपरवाइजर का, डेप्रिसिएशन, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है। दीज आर नॉट इजिली आइडेंटिफाइबल पर यूनिट। तो इनका एवरेज निकालेंगे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक जब फॉलो करेंगे तो उस एवरेज को कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में एड कर देंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं, राइट? अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल। ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ आउटफ्लो ऑब्लिक पेमेंट्स, कुछ कुछ खर्चा ऐसा होता है जिसका कैश आउटफ्लो होता है, कुछ कुछ खर्चा ऐसा होता है जिसका कैश आउटफ्लो नहीं होता। जैसे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं रेंटेड प्लेस में, तो भाड़ा देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या? पेमेंट गोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं अपना ओन प्रेमाइसेस में, तो इस टाइप का खर्चा को अपने बोलते हैं नोशनल रेंट। क्या? रेंट पेएबल टू द ओनर इटसेल्फ। क्या? रेंट पेएबल टू द ओनर इटसेल्फ।
इस टाइप का खर्चा को बोलते हैं जिसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, बट कॉस्टिंग में इस टाइप का खर्चा को भी कंसिडर करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज अगर हम इस जगह को बिजनेस नहीं कर रहे होते इस जगह में, तो ये जगह को भाड़ा में लगाते तो कुछ पैसा मिलता ना, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। कॉस्टिंग में ये सब खर्चा को इग्नोर नहीं किया जाता, कंसिडर किया जाता है। अपना जगह है तो क्या हुआ, नोशनल रेंट बोल के खर्चा को दिखाना पड़ेगा। याद है प्रॉफिट रिकंसिलेशन में हम तुम लोग एक तो सम कराया था, उसमें भी ये चीज आया था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, नोशनल, इंप्यूटेड कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश। खुद का जगह का भाड़ा, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, सैलरी टू सेल्फ, ये सब चीज, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट पब्लिक आउटफ्लो, दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जिसका पेमेंट कैश में होगा, और इम्प्लिसिट मतलब जो पेबल टू ओनर्स है। नॉर्मैलिटी, नॉर्मल कॉस्ट जो नॉर्मल बिजनेस का कोर्स ऑफ ऑपरेशन में होगा। याद है हम तुम लोग को पढ़ाया था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, उसमें एक सम में फाइन्स एंड पेनल्टीज आया था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी एक सम में फाइन्स एंड पेनल्टीज आया था, हम तुम लोग को बताया था ये नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में इनकर नहीं हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट निकालते वक्त इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। सो फाइन्स एंड पेनल्टीज ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, राइट, एंड जो नॉर्मल कॉस्ट है उन सबको कॉस्टिंग में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पेज में आओ, देखो पेज नंबर 9 में एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, हम तुम लोगों को बता चुका है ये चीज। अभी आप लोग आ जाइए पेज नंबर 20 में, तो पहला चैप्टर से यही सब थ्योरी आपको पूछेगा। ठीक है, पहला चैप्टर का थ्योरी हो गया, मटेरियल चैप्टर में आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल बताने का दरकार नहीं है, अभी बताया। जो वुड लगता है फर्नीचर में, कपड़ा बनाने में, शर्ट बनाने में जो गारमेंट्स लगता है, राइट, आइसक्रीम बनाने में जो मिल्क और क्रीम लगता है, बुक्स बनाने में जो पेपर लगता है, ज्वेलरी बनाने में जो गोल्ड लगता है, बिल्डिंग बनाने में जो ब्रिक्स एंड सीमेंट लगता है, वो आइडेंटिफाइएबल है, राइट, दोज आर डायरेक्ट मटेरियल। कुछ कुछ प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है, वो भी डायरेक्ट मटेरियल में आता है। जैसे कोई भी लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस होगा, प्रोडक्ट होगा, तो उसका पैकिंग इज इंपॉर्टेंट, तो बॉटलिंग, कैन, टिन, ये सब प्राइमरी पैकिंग, ये सब डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। अच्छा, इनडायरेक्ट में जिसको आप पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे यहां पे दिया हुआ है स्टोर यूज फॉर मेंटेनिंग मशीन्स, स्टोर यूज बाय सर्विस डिपार्टमेंट्स, मटेरियल्स ऑफ स्मॉल वैल्यू विच कैनॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर आइटम, जैसे फेविकॉल यूज इन मेकिंग अ फर्नीचर, नट, नेल्स यूज इन मेकिंग अ प्रोडक्ट, राइट, ये सब चीज आइडेंटिफाइबल नहीं कर सकते अपने पर यूनिट। अच्छा, अभी अपने बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल का, तो उसके लिए अपने EOQ ये सब फॉलो करते, याद है ना, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्राइस, याद है ना, राइट क्वांटिटी हो गया EOQ, राइट टाइम हो गया ROL, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये सब चीज बताया हुआ है। तो पेज नंबर 21 में वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि इसमें से थ्योरी आएगा, बट फिर भी बता दे रहे हैं। पेज 21 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल है, देखो इन्वेंट्री कंट्रोल, ये EOQ, ROL, ये सब निकालने का मतलब क्या है, कि कभी भी आपका प्रोडक्शन बंद ना हो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में यही लिखा है, टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स फॉर एफिशिएंट एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप EOQ, ROL फॉलो नहीं करेंगे तो आप ऐसा होगा, आपके पास वर्कर लोग आ गया है, मशीन रेडी है, सब कुछ रेडी है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, प्रोडक्शन किसको करेंगे, राइट। टू मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कीपिंग इन व्यू ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स,
बहुत सारा प्रोडक्ट का केस में हम लोग जस्ट इन टाइम अप्रोच फॉलो करते हैं, मतलब दोज प्रोडक्ट्स विच आर रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट उसका हम लोग स्टॉकिंग नहीं करते हैं। जैसे कल चाहिए तो आज खरीद लो, घर में जो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम होता है क्या उसको आप स्टॉक करके रखते हैं? कभी भी नहीं। जैसे गेस्ट जाने वाला रहता है, आके बैठा है तब तक नहीं, पहले आके बैठा आप उसको पानी पूछेंगे, फिर उससे बातचीत में लग जाएंगे। जैसे वो बोलेगा मैं जा रहा हूं, अरे बैठो ना, बच्चा को भेजे कोल्ड ड्रिंक मंगाने के लिए, बस राइट। तो इस समय जस्ट इन टाइम अप्रोच फॉलो किया जाता है। तो मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री टू प्रोवाइड फॉर एफिशिएंट स्टोर ऑफ मटेरियल सो दैट इन्वेंट्रीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस बाय फायर थेफ्ट, हैंडलिंग कॉस्ट आर केप्ट एट अ मिनिमम, ट्राई टू मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट, टू कीप सरप्लस एंड ऑब्सोल्यूट आइटम्स टू मिनिमम, ज्यादा दिन का स्टॉकिंग मत करो। तो ये सब चीज ईओक्यू आरओएल से सॉल्व हो जाएगा राइट। एडवांटेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, घुमा फिरा के वही चीज लिखा हुआ है राइट, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब एबीसी एनालिसिस बता दिया हम तुम लोगों को। एबीसी एनालिसिस मतलब जो हाई वैल्यूड आइटम्स है उसको कैटेगरी ए में डाला जाता है। हाई वैल्यूड आइटम्स को कैटेगरी ए में डाला जाएगा मतलब टाइट कंट्रोल। लो वैल्यूड आइटम्स होगा उसको कैटेगरी बी में डाला जाएगा मॉडरेट कंट्रोल, और जो एकदम लीस्ट वैल्यूड आइटम्स है उसको कैटेगरी सी में डाला जाएगा, उसमें लीस्ट कंट्रोल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, चोरी भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। हाँ आइए, तो एबीसी एनालिसिस का एबीसी एनालिसिस का ये लोग एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल देखो नीचे में, थ्योरी आप लोग घर में पढ़ते रहिएगा। कैटेगरी ए में हम लोग कॉस्टली आइटम डालते हैं, बी में हम लोग लेस कॉस्टली, और सी में लीस्ट कॉस्टली। 4000 टोटल इन्वेंट्री है मेरे पास में, ठीक है, तीन टाइप का इन्वेंट्री है। 4000 में 3875 आइटम वन है, 110 आइटम टू है, 15 आइटम थ्री है। परसेंटेज ऑफ वैल्यू होल्डिंग वैल्यू वाइज सबसे कॉस्टली आइटम वो 15 यूनिट वाला है ना, यस और नो? तो उसको हम लोग कैटेगरी ए में डालेंगे टाइट कंट्रोल, बी में हम लोग 110 वाले को डालेंगे मॉडरेट कंट्रोल, ठीक है ना। देखो लास्ट में कॉलम दिया परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज इन एंड प्रोडक्ट, 85% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज थर्ड वाला आइटम। तो ये हाई वैल्यूड आइटम्स हो गया। फाइनल जो एंड प्रोडक्ट में जो इन्वेंट्री का कंटेंट है उसको देखना है, ये परसेंटेज वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग वो नहीं देखना है। ये तो हमारे स्टॉक में कितना माल रहता है उस पर डिपेंड करता है ना, तो उससे मेरे को नहीं पता चलेगा हाई वैल्यूड है कि लो वैल्यूड है। एंड प्रोडक्ट में जो उसका कंटेंट है वैल्यू वाइज उससे पता चलेगा कि वो हाई वैल्यूड है कि नहीं। आज हम 1 करोड़ नेल्स रख के रखे अपने पास में, तो 1 करोड़ नेल्स इंटू 1 रुपया करेंगे तो ऐसे ही 1 करोड़ रुपया हो गया। तो 1 करोड़ का माल है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, होल्डिंग में क्या माल है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी आप होल्डिंग में है उसका देखिए एंड प्रोडक्ट में उसका क्या वैल्यू है, उस हिसाब से उस होल्डिंग का इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाएगा। आज ये मत देखो कि जो मेरे पास टोटल होल्डिंग है उसमें 50% थर्ड आइटम है, उससे मतलब नहीं है। पहले ये देखो थर्ड आइटम का टोटल वैल्यू में
टोटल जो एंड प्रोडक्ट है उसमें उसका क्या वेटेज है, एंड प्रोडक्ट में उसका 85% वेटेज है वैल्यू वाइज, उस हिसाब से उसका इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, राइट राइट। तो कैटेगरी ए में कॉस्टलीएस्ट आइटम रखेंगे, कॉस्टलीएस्ट पर यूनिट देखो, समझ में आ रहा ना, तुम्हारा होल्डिंग से मतलब नहीं है, पर यूनिट जो वो एंड प्रोडक्ट से ही पता चलेगा। हाँ, इसका एक किलो का दाम है 30 लाख रुपया ज्वेलरी, या 3 करोड़ रुपए, जो भी हमको नहीं पता क्या है, 1 ग्राम का 3,000 है ना, 30 लाख ही तो हुआ, ठीक ही तो है। हाँ, 1 किलो का दाम हो गया 30 लाख, जो भी यार हटाओ ना, और उसके बीच वाला आइटम फिर वो थर्ड, समझ रहा हूं उस हिसाब से। कभी तुम देखना सिल्वर शॉप में तुमको कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखाई देगा, गोल्ड में क्यों बोला सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता, तब तुम ऐसे ही राम श्याम का ज्वेलरी शॉप में जाता होगा, ठीक है ना। सिल्वर शॉप में देखना कोई गार्ड वार्ड नहीं रहता, दुकान ऐसे खुला रहता है, लोग ऐसे गद्दी में बैठा है बेच रहा है, राइट। लेकिन ज्वेलरी में दिखेगा, ज्वेलरी अंदर है, उसके बीच में गेट है, फिर एक आदमी है, फिर तुम है, लेकिन सिल्वर वाला शॉप में तुमको डायरेक्ट आदमी दिखेगा डायरेक्ट, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका 1 किलो का दाम 40,000-50,000 है, कहां 40,000-50,000, कहां 30 लाख, समझ में आ रहा है। एनीवेज, तो एडवांटेजेस ऑफ एबीसी पढ़ लेना, जैसा वैल्यू ऑफ आइटम होगा उस हिसाब से उसका इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया। ईओक्यू हम बता चुके हैं, बताएंगे नहीं दोबारा, ईओक्यू बता चुके हैं, सारा लेवल वगैरह बता चुके हैं, स्टोर लेजर बता चुके हैं, ये ROL ये सब बता चुके हैं। पेज नंबर 34 में आओ, पेज नंबर 34 में आओ, पीरियोडिक एंड परपेचुअल ये बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, पढ़ लेना, रीड इट प्रॉपरली। पेज 35 में बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिन कार्ड स्टोर लेजर वाला मेंटेन करता है स्टोर कीपर, और स्टोर लेजर कॉस्ट डिपार्टमेंट बनाता है, राइट। होता क्या, ध्यान से देखो, ये स्टोर डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये सप्लायर है, ये इसको परचेज ऑर्डर दिया, है ना, अच्छा ये फैक्ट्री गेट है, ये माल लेके आया, माल फिर स्टोर में आएगा, गुड्स रिसीव्ड, चलान साइंड। अब ये साइंड कॉपी का जो चलान होता है ना, ये कॉस्ट डिपार्टमेंट को भेज देगा,
किसको भेज देगा? कॉस्ट डिपार्टमेंट को भेज देगा। अब कॉस्ट डिपार्टमेंट को पता चल गया परचेस हुआ है। अच्छा, दो कॉपी आता है, तीन कॉपी होता है, एक अपना, ये अपना काउंटर फॉइल में तीन कॉपी रहता है, ब्लू पिंक येलो, अलग अलग कलर होता है, जिसको जैसा कलर पसंद में आता है। एक इसका बिल बुक में रह गया, चलान बुक में, दो ट्रांसपोर्टर को दे दिया, ट्रांसपोर्टर गया, एक ही अपने पास रख लेगा, एक रिटर्न कर देगा, तो इसके पास में एक साइंड कॉपी वापस आ जाता है सप्लायर के पास में, ठीक है, साइन करके दे दिया, एक चलान अपने पास रख लिया, वो चलान हम कॉस्ट डिपार्टमेंट को भेज देंगे, और साइंड कॉपी वाला चलान सप्लायर के पास में चला गया। सप्लायर फिर बिल रेस करेगा, उस बिल के साथ हम अपना चलान मिला लेंगे और इसको पेमेंट कर देंगे, वो अलग बात हो गया, पेमेंट का बात नहीं कर रहे यहां पे। अब ये इसको मटेरियल रिक्विजिशन भेजेगा, क्या भेजेगा? मटेरियल रिक्विजिशन। उसके अगेंस्ट में ये क्या करेगा? मटेरियल सप्लाई करेगा, वैसे ही चलान बनेगा, साइन करके आएगा इसके पास में, फिर ये कॉस्ट डिपार्टमेंट को दे देगा। हाँ, यस और नो? ये मटेरियल रिक्विजिशन भेजा, सप्लाई होगा रॉ मटेरियल, और ये वो रिसीविंग करके वापस कर देगा और वो हमको देगा। तो ये स्टोर वाला जो मेंटेन करेगा, इसको बोलेंगे बिन कार्ड। ये खाली क्वांटिटी में हिसाब रखेगा, इतना माल आया, इतना माल हम दे दिया। ये क्वांटिटी एज वेल एज रेट, समझ में आया? हाँ, हम परचेज ऑर्डर देंगे, सप्लायर माल लेके आएगा, हाँ, ट्रांसपोर्टर के पास में दो कॉपी चलान का रहता है, एक कॉपी साइन करके उसको दे देंगे और दूसरा हम अपने पास रख लेंगे। पहले हम अपना बिन कार्ड में एंट्री करेंगे, बिन कार्ड में एंट्री करके वो चलान हम कॉस्ट डिपार्टमेंट को भेज देंगे, फिर सप्लायर बिल रेस करेगा कॉस्ट डिपार्टमेंट को, माल मिलाएगा चलान से और इसको पेमेंट कर देगा, वो अलग बात हो गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला मटेरियल रिक्विजिशन करेगा, ये मटेरियल सप्लाई करेगा और साइन करवा लेगा, साइंड कॉपी अपना स्टोर में एंट्री मार देगा और कॉस्ट डिपार्टमेंट को भेज देगा। तो यहां पे जो चीज मेंटेन हो रहा है ना, स्टोर वाला अपना गला बचाने के लिए, अपना नौकरी बचाने के लिए, उसको बिन कार्ड बोलते हैं, और कॉस्ट डिपार्टमेंट जो मेंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं? स्टोर लेजर। क्या बोलेंगे उसको? स्टोर लेजर। ये क्वांटिटी एज वेल एज रेट दोनों मेंटेन करता है। स्टोर डिपार्टमेंट को पूछोगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स बताएगा, कॉस्ट डिपार्टमेंट को पूछोगे तो वो यूनिट्स और रेट। तो देखो लिखा है बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, क्या लिखा है पढ़ो पेज नंबर 35 में। What it records? It records only the quantity of material received, issued and balance. It records quantity and value both. कौन बनाता है? ये स्टोरकीपर बनाता है, ये कॉस्ट डिपार्टमेंट बनाता है। देखो टाइमिंग, देखो हम जो जो बोला एक एक बात सच होगा। Periodicity of posting. Posting in bin card is done simultaneously with the receipt and issue of material. जैसे हमको माल मिला हम एंट्री मारेंगे और जैसे हम इश्यू करेंगे एंट्री मार देंगे। पोस्टिंग इन स्टोर लेजर इज यूजुअली डन आफ्टर द ट्रांजैक्शन एट पीरियोडिक इंटरवल्स। आज मेरे पास चलान आके पड़ा हुआ है ना, या तो हम डेली मेंटेन करेंगे या वीकली क्वार्टरली करेंगे, राइट? इट इज केप्ट आउटसाइड द बिन इन स्टोर। अलग अलग लॉट में ना, बिन डस्टबिन जैसा होता है ना, वैसे बिन होता है, डस्टबिन वाला बिन बोल रहे हैं हम, अलग अलग बॉक्स। तो वहां पे लिखा रहता है इतना क्वांटिटी आया स्टिकर में, इतना चला गया, बैलेंस इतना बचा हुआ है, राइट?
It is kept outside the store, generally in costing department. It facilitates control through surprise checking. It facilitates finding out cost of material consumed and cost of material in hand. Because value will come, issued or closing stock both will come. Right? तो आप लोग पढ़ लीजिएगा दोनों का डिफरेंस. लेबर कॉस्ट एंड कंट्रोल, आ जाइए आप लोग. जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग पेज 38, ये डिफरेंस आ सकता है आपका. जॉब इवैल्यूएशन वर्सेस मेरिट रेटिंग, पढ़िए आप लोग. बात नहीं, अपना मन में पढ़ो. Hey. Now, job evaluation में importance of job is seen. यहां पे job holder यहां पे रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब, कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन सा काम अभी हम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उस काम को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए और हमारे पास क्या क्या एट प्रेजेंट अवेलेबल है. राइट इसमें रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब पता चलता है.
इसमें मेरिट्स ऑफ जॉब होल्डर पीछे पेज में देखो जॉब इवैल्यूएशन will help us in determining the wages for the job. जो काम है उसका wages determine करने में help करेगा और जो merit rating wages for the job holder based on his ability and performance. इसमें क्या है फेयर वेजेस ऑफ द जॉब कैलकुलेट कर पाएंगे. ऐसा जॉब है इसका वेजेस ये होगा. अब ये जॉब को कोई ना कोई तो करेगा, जॉब होल्डर करेगा. तो जब एलोकेट होगा तो वो वाला पर्टिकुलर मेरिट के बेसिस पे उसको काम मिला, दैट इज मेरिट रेटिंग. रेटिंग पहले ही कर लो तो वो पर्टिकुलर काम उसी वर्कर के पास में जाएगा. मान लो हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का एक रेटिंग होता है, 3 स्टार 4 स्टार 4.5 स्टार. तो जैसा मेरिट रेटिंग होगा आपका उसी हिसाब से आपको जॉब मिलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड टूल है हर कंपनी के लिए, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग. राइट, पेज नंबर 39 में देखो दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है. जॉब इवैल्यूएशन में क्या लिखा है, इट इज असेसमेंट ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब इन अ जॉब हायरार्की एंड इट इज असेसमेंट ऑफ रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब होल्डर. इट रेट्स द जॉब होल्डर. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सेट अप अ रैशनल वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर फॉर द जॉब. कल को यह नहीं बोले भाई आप हमसे ज्यादा ले लिया, आप इससे कम लिया, देखिए उसका भी ऐसा ही था, वो सब नहीं होगा. Its objective is to provide a scientific basis for determining fair wages for worker based on his ability and performance. It helps in establishing a simplified and rational wage and salary structure for the job, or it helps in determining fair wages of each worker. Rating hoga, performance based. अगर आप जॉब इवैल्यूएशन और जॉब मेरिट रेटिंग ठीक से नहीं करेंगे तो होगा क्या पता है, 1 स्टार रेटेड जॉब विल बी हैंडल्ड बाय 4 स्टार रेटेड जॉब होल्डर और 4 स्टार रेटेड जॉब विल बी हैंडल्ड बाय 1 स्टार रेटेड जॉब होल्डर. इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. Try to understand.
क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना रिस्क है इस काम में, उस हिसाब से जॉब का रेटिंग होता है। वर्कर का एबिलिटी उसका पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसका रेटिंग होगा, प्रॉपर मैचिंग होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग, आवर्स स्पेंड बाय वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो टोटल वेजेस पेबल टू वर्कर, ठीक है, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। व्हाट इज टाइम बुकिंग? आवर्स स्पेंड बाय वर्कर इन डिफरेंट जॉब्स, वेजेस chargeable to customer oblique job। लेबर चैप्टर में तुम लोग को एक सम कराया गया था जिसमें 48 आवर्स पर वीक था, 4 घंटा नॉर्मल एडल्ट टाइम, तो इफेक्टिव प्रोडक्टिव आवर आया था 44। उसमें से जॉब एक्स वाई जेड का मिला के वो 40 घंटा काम कर रहा था, 4 घंटा ही वॉज सिटिंग आइडल फॉर नो रीजन, सो दैट्स एबनॉर्मल एडल टाइम। तो 40 घंटा आप चार्ज करेंगे कस्टमर से और 4 घंटा चला जाएगा आपका कॉस्टिंग पीएल में, सो वो आपको टाइम बुकिंग से पता चलेगा। टाइम कीपिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ईच वर्कर, और टाइम बुकिंग में देखो क्या लिखा है, इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम स्पेंड बाय ईच वर्कर ऑन वेरियस जॉब, राइट? दोनों का डिफरेंस नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। मीनिंग तो दोनों का बताई दिए हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनेंस अटेंडेंस रिकॉर्ड एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड टू प्रोवाइड डाटा फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेरोल। पेरोल मतलब टोटल वेजेस निकालते वक्त काम आएगा, और इसमें जॉब कॉस्ट शीट बनाते वक्त काम आएगा। इसमें आप अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं या वो अंगूठा वाला लगवा सकते हैं, और इसमें वर्कशीट बनाना पड़ता है, ये डेली शीट, टाइमली शीट, वीकली शीट, जॉब कार्ड, इसको वर्कशीट बोलते हैं, राइट? आइडल टाइम, टाइम कीपिंग और बुकिंग का जो डिफरेंस है उसको आइडल टाइम बोला जाता है, लिख लो। टाइम कीपिंग, टाइम बुक्ड, शॉर्ट में लिखे हैं,
बात मत करो. आइडल टाइम का रीजन क्या क्या हो सकता है, देखो लिखा है, मशीन ब्रेकडाउन, मशीन खराब हो गया, पावर फेलियर, वेटिंग फॉर वर्क, वेटिंग फॉर टूल्स, वेटिंग फॉर मटेरियल, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन. किसी भी चीज में एम्प्लॉय का कोई गलती नहीं है, ये सब प्रोडक्शन कॉजेस था. इकोनॉमिक कॉज में देखो, देखो ऑफ सीजन, हम अम्ब्रेला बना रहे हैं तो ठंड का टाइम में तो बैठे ही रहेंगे ना, लेकिन बहुत जन क्या करता है, रॉ मेटल खरीद के प्रोडक्शन चालू कर देता है, दे स्टार्ट स्टॉकिंग गुड्स, क्योंकि जब सीजन आएगा तब बेचने में ध्यान देंगे, तब उस समय प्रोडक्शन में ध्यान देने का दरकार नहीं पड़ेगा. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ऊपर से ऑर्डर आया है, 100% कैपेसिटी में काम नहीं करना है, 80% में ही करना है, ये क्या बात हुआ. हाँ, कल को मान लो कोई अलग से ऑफर आ गया एक्स्ट्रा अच्छा प्राइस में, तो उसको करने के लिए देंगे. वट एवर मे बी द रीजन, दीज आर द रीजन ऑफ आइडल टाइम, मतलब काम नहीं हुआ है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर, वर्कर पैसा ले गया बट काम पेड बट नो वर्क, लिख लो वहां पे. आइडल टाइम का पैसा मिलता है वर्कर को, वर्कर इज पेड बट नो वर्क. वो तुमको लगता है पेड बट नो वर्क, बट एज पर गवर्नमेंट तो दे आर गेटिंग पेड एंड दे आर वर्किंग. ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम हम तुमको बता चुके हैं, ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड हेंस पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड. नॉर्मल आइडल टाइम एंड कंट्रोलेबल, पॉइंट नंबर वन छोड़ो, पॉइंट नंबर टू देखो. नॉर्मल आइडल टाइम बेसिकली अनकंट्रोलेबल होता है, वर्कर का लंच आवर रिसेस टाइम देना ही पड़ेगा. इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड हेंस चार्ज डायरेक्टली टू जॉब बाय इन्फ्लेटिंग वेज रेट. याद है ना, 48 में आपने डिवाइड किया था 44 से, तो वेज रेट पर आवर हमारा बढ़ गया था, राइट. और इट इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड हेंस चार्ज टू कॉस्टिंग पेल, एबनॉर्मल आइडल टाइम. याद है ना, हाँ. अच्छा, आइडल टाइम को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा. हाउ कैन यू कंट्रोल योर आइडल टाइम? आइडल टाइम कंट्रोल करने का क्या है, देखो, फिक्स द स्टैंडर्ड फॉर नॉर्मल आइडल टाइम सच एज टी, स्नैक्स, लंच ब्रेक. यस और नो? जैसे देखो तुम पीछे, अगर तुम पीछे ध्यान से देखा होगा तो नॉर्मल में भी दो था, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल. तो अनकंट्रोलेबल था जो स्टैंडर्ड तक होगा, एक घंटा. अब तुम डेढ़ घंटा में ड्यूटी ज्वाइन किया तो आधा घंटा तुम्हारा कंट्रोलेबल था ना. वन आवर इज अनकंट्रोलेबल, सभी को देना पड़ेगा, बट आधा घंटा दैट मतलब स्टैंडर्ड जो एलोकेटेड होगा नॉर्मल एडल्ट टाइम के लिए, अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो दैट बिकम्स नॉर्मल है वो, बट वो कंट्रोलेबल है, आई कैन रेस्ट्रिक्ट इट. आइडल टाइम का रिपोर्ट बनवाइए और देखिए वर्कर किस लिए बैठा है. यू कैन सी लाइव एग्जाम्पल, ही सिटिंग आइडल, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट. तो इसको आइडल टाइम बोलते हैं. हंसने का क्या बात है, आइडल टाइम है, कुछ काम नहीं है उसके बाद. अब हम उसको पूछेंगे. Now I will ask him and I do ask him frequently. क्या आप बैठे हैं, आप ये कर लीजिए. वो हमको नहीं आके पूछेंगे कि सर मैं बैठा हूं, आइडल हूं, आप मेरे को बताइए क्या काम है. I have to personally go and talk to him कि आपके अभी आप बैठे हैं, मैं आप ये काम कर लीजिए, right? Anyways, prepare periodic idle time report showing the idle time and reason and cost. Submit. Reason and cost and submit the same to the competent authority. From tomorrow, he will prepare one idle time report
and he will submit it to me. Compare the actual idle time with the standard idle time to find out the difference. Right? Investigate the cause of the difference. हो सकता है हम से बार बार काम मांग रहा हो लेकिन हम ही इसको नहीं दे पा रहे हो तो इन दैट केस फॉल्ट इज इन मी. टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन प्रॉम्प्टली. वी विल ट्राई टू टेल हिम बट प्रॉम्प्टली वी कैनॉट टेक एनी डिसीजन. राइट? समझ में आया मेरा बात? सो आइडल टाइम कुछ हद तक नॉर्मल माना जाता है, उसके ऊपर वो नॉर्मल नहीं, कंट्रोलेबल होता है वो. राइट? अच्छा, ओवर टाइम हम आपको बता चुके हैं इट इज पेड एट डबल रेट. ओवर टाइम का कैलकुलेशन देख लीजिए क्या बोला है. 9 hours a डे और 48 hours a वीक. ठीक है? और हमेशा ये डबल रेट से पेमेंट होता है. आइए हम आपको एक ओवर टाइम का सम कराते हैं. आइडल टाइम का तो हमने आपको करा दिया था. पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, ध्यान दो. एक्सेस ऑफ 9 hours a डे ना, तो एक्सेस ऑफ 9 hours a डे का टोटल कितना आ रहा है? 1. ये ए हो गया. बी है एक्सेस ऑफ 48 hours a वीक, 0. दिन का 9 घंटा के ज्यादा होने से ओवर टाइम और हफ्ते का 48 घंटा से ज्यादा होने का ओवर टाइम. तो ओवर टाइम आवर्स कितना आएगा? 1 घंटा. दोनों में जो हाई होगा, हायर. और ये जो ओवर टाइम आवर है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट डबल रेट से पेमेंट होता है ये. पैसा दे देना, साफ ही तो है. लेकिन आने तो कितना बजे आती है देखते हैं. ठीक है, वो पैराग्राफ जो लिखा है उसका मतलब ये है. अभी ये ओवर टाइम क्यों करना पड़ रहा है? हो सकता है मेरे बेटे की शादी है 2 दिन में, तो इतने दिन तक तुम कहां थी? होता है ना, यूजुअली आप देखिएगा कॉस्टलीएस्ट जो बूटीक आइटम्स होता है ना, शेरवानी टाइप का, उसमें आता है कस्टमर लोग. बनने में 15 दिन लगेगा बट बोलेगा 10 दिन बाद शादी है, हमको जल्दी चाहिए. मिस्टर विकास का मान लो शादी पक्का हो जाता है. अब इसको टाइम मिलता नहीं है, रोज ओवर टाइम करता है ये. यहां पे काम का प्रेशर के कारण जब यहां से निकलता है बड़ा बाजार बंद हो जाता है. तो शादी का 3 दिन पहले इसको टाइम मिला तो क्या बोलेगा? नहीं, घाघरा जहां पे शेरवानी बनेगा वहां बोलेगा कि हमको 2 दिन में चाहिए.
अब अगला वो भी सोच रहा है, 8 दिन का चीज को 2 दिन में चाहिए, ओवर टाइम भी करवाएंगे तो भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा लेबर फोर्स भी दलवाएंगे तब जाके होगा, तो इससे ज्यादा डिमांड करेगा, 10,000 का चीज का इससे 20,000 मांगेगा। राइट, 10,000 का चीज का 20,000 मांगेगा इससे, ये दिया, इसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा है किसके फॉल्ट के कारण लगा, ऑब्वियसली मेरे, ही विल चार्ज मी कि आप हमको डेली लेट से छोड़ते थे बोल के मेरा शेरवानी 10,000 ज्यादा में बन रहा है, आई हैव टू पे दैट मेकर 10,000 एक्स्ट्रा, सो यू हैव टू बियर दैट। कहने का मतलब है जब जब ओवर टाइम करना पड़ेगा इसका मतलब कोई एक कॉज है उसके पीछे, वो कॉज को आइडेंटिफाई करो एंड उस पर्टिकुलर आदमी को चार्ज कर दो। मान लो कस्टमर को 2 दिन बाद का डिलीवरी दिया हुआ है, तुम्हारा मशीन खराब हो जाता है, तुम्हारा भी कुछ करने का नहीं है, मशीन ठीक होने में 1 दिन लग गया, बचा तुम्हारे हाथ में 1 दिन, उसमें तुमको दोनों दिन का काम करना, मतलब वर्कर को ओवर टाइम करवाएगा तुम, तो यहां पे जो वर्कर ओवर टाइम कर रहा है किस लिए कर रहा है, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, तो जो भी तुम एक्स्ट्रा, नॉर्मली का बात नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा का बात हो रहा है, एक्स्ट्रा जो रेट तुम दे रहा है ना, मतलब 15 रुपया का तुम 30 दे रहा है, वर्कर को तुम 15 की जगह 30 दे रहा है, ओवर टाइम में डबल देना पड़ता है, या 50% एक्स्ट्रा, जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, वो एक्स्ट्रा पार्ट जो प्रीमियम पार्ट है, ओवर टाइम प्रीमियम, नॉर्मल रेट नहीं, ओवर टाइम रेट में एक प्रीमियम होता है, एक एक्स्ट्रा होता है, जैसे डबल हो गया तो 15 हो गया नॉर्मल, 15 हो गया प्रीमियम, वो प्रीमियम तुम कॉस्टिंग पीएल में डालेगा। अगर कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है तो इन दैट केस दैट प्रीमियम विल बी चार्ज टू द कस्टमर, जैसे विकास को कस्टमर चार्ज किया, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे है ना, मेरा फॉल्ट थोड़ी है, देन विकास विल चार्ज इट टू मी। तो ओवरटाइम का कैलकुलेशन बताया, अच्छा श्याम वाला भी देख लो एक बार, नील एक्सेस ऑफ 48 में तो ओवरऑल वीक में तो 2 घंटा ज्यादा आ रहा है ना, तो डेली में कोई ओवरटाइम नहीं लेकिन वीक का ओवरटाइम आ रहा है 2 घंटा, अभी ऑर्डर देके आ गया। नील और 2 ओवरटाइम, 2 घंटा यहां पे, अच्छा अब जो भी ओवरटाइम है उसका ट्रीटमेंट क्या, देखो पढ़ो, आ जाओ वापस से उस पेज में, ये पेज नंबर 53 में था, ये डेली 9 घंटा के हिसाब से या वीक का 48 आवर, दोनों में जो हायर होगा वो ओवरटाइम आवर माना जाएगा, उसको डबल रेट से पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 15 हो गया नॉर्मल, बाकी 15 हो गया प्रीमियम, उस प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या होगा, वापस से आ जाओ पेज नंबर 41 में। अगर कस्टमर का रिक्वेस्ट पे है, कॉजेज में नंबर ए, तो कस्टमर को चार्ज करो। अगर तुम्हारा ये जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम है, हर दिन ओवरटाइम होता ही है, आधा घंटा 1 घंटा ओवरटाइम होता ही है,
तो इन दैट केस प्रोडक्शन ओवरहेड मान लो वो प्रीमियम पार्ट को, एबनॉर्मल कंडीशन के कारण है तो उसको कॉस्टिंग पेल में डालो, सीजनल डिमांड आ गया तो भी प्रोडक्शन ओवरहेड, और मार्केट डिमांड को फुलफिल करना है तो भी प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, तुम बना के देगा तब ना हम फर्दर प्रोसेस करेगा, तो प्रीवियस डिपार्टमेंट इज एट फॉल्ट, तो चार्ज इट टू द प्रीवियस डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा अभी तुम ओवरटाइम पेमेंट तो किया लेकिन उसमें भी दिक्कत है, ओवरटाइम पेमेंट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉलोइंग वेज। एक तो अपने को प्रीमियम देना पड़ रहा है ओवर एंड अबव द नॉर्मल वेज, एक्स्ट्रा कॉस्ट। पॉइंट नंबर बी में रिड्यूस्ड आउटपुट ड्यूरिंग ओवरटाइम। आज जो शुरू का सुबह का 8 घंटा है, जिस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं उसके ऊपर और 8 घंटा काम करना है वही वर्कर, तो क्या उतना एफिशिएंसी से काम कर पाएगा वो, तो रिड्यूस्ड आउटपुट ड्यूरिंग ओवरटाइम। रिड्यूस्ड आउटपुट ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम, खाली दिखाने के लिए पैसा बनाने के लिए सुबह कोई काम नहीं करेंगे, मजबूरन मालिक ओवरटाइम करवाना पड़ेगा, उस समय फिर हाथ चला के दिखाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट टू वर्क हैज द टेंडेंसी ऑफ मेकिंग मनी बाय वर्किंग ओवरटाइम। अगर रेगुलरली हम ओवरटाइम काम करेंगे तो वर्कर का हेल्थ खराब हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, ओवरटाइम करना चाहिए सभी को। ओवरटाइम में लीड टू डिसकंटेंट अमंग वर्कर्स इफ ओवरटाइम इज नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लो मेरे पास 3 स्टाफ है, हम खाली विकास जी से ही ओवरटाइम कराते, बाकी दोनों को नॉर्मल टाइम में छोड़ देते, तब नहीं होगा। एग्जैक्टली, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, सबसे ओवरटाइम करवाएंगे, दिस शुड बी द रूल, राइट? आइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम पढ़ लीजिएगा, हमने ऑलरेडी बता दिया है। वन इज बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉयर एंड अदर इज बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉई, इसलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए वी इंट्रोड्यूस इंसेंटिव स्कीम, राइट? आप लोग प्रॉपरली इसको पढ़िएगा। ठीक है विकास, तो इतना है, बाकी हम लोग और देखते हैं, अगर और कोई थ्योरी आएगा तो विल कीप वन मोर क्लास।